क्लस्टाल डब्लव क्लस्टाल डब्लव इज अ मैथड अवेलेबल फॉर मल्टीपल सीक्स अलाइमेंट मल्टीपल सिक्वेंस अलाइमेंट के मल्टीपल मैथड्स अवेलेबल है जिन में से कुछ जो है वह स्टैंड लोन एप्लीकेशन है कुछ सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन अवेलेबल है हर मैथड के बेस पे कुछ एप्लीकेशन बने हुए हैं और वह अवेलेबल uh, है फॉर दीज मल्टीपल सीक्स अलाइमेंट पर्पजेज़ क्लस्टाल डब्लीव जो है दिस इज़ वन ऑफ द मल्टीपल मैथड्स अवेलेबल फॉर मल्टीपल सीक्वेंस एलिमेंट ग्लोबल मल्टीपल सिक्वेंस एमेंट और कलस्टाल डब्ल्यू के थ्रू हम डी एन ए सीक्सिस को प्रोटीन सीक्वेंसेज को हम अलाइन कर सकते हैं ग्लोबली मल्टीपल सीक्वेंस एमेंट हम उनकी परफार्म कर सकते हैं दिस मैथड वॉज इनिशियली प्रपोज बाय जोली थाम्सन Uh, Toby Gibson. Uh, these gentlemen, they were from the EBL Germany, and uh, with uh, the collaboration of uh, other workers, for example, there was uh, Desmond Higgins uh, and this the, this one was from the EBI UK. So they collectively they proposed and designed uh, this method for multiple sequence alignment, uh, which is uh, popularly known with the name of Clustal W. आजकल कल डब्ल्यू के काफ़ी सारे वेरिएंट्स मल्टीपल सीक्वेंस अलाइमेंट को परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल है जिसमें मशहूर जो है वो कलास्ट्राल डब्ल्यू टू है कलास्ट्राल एक्स है कलास्ट्राल ओमेगा बट इन दिस मॉड्यूल वी विल ओनली फोकस ऑन कलास्ट्राल डब्लू कलास्ट्राल डब्ल्यू हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इट हैज़ द एबिलिटी टू मैनिपुलेट

Uh, वो इसके कंपेटिबल फार्मेट में हमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट देता है तो उस अलाइनमेंट को भी ये मैनिपुलेट कर सकता है उस अलाइनमेंट का प्रोफाइल एनालिसिस कर सकता है और साथ में हमें फलोजेंटिक ट्री भी कंस्ट्रक्ट करके हमें दे सकता है क्लस्टाल uh, डब्ल्यू जो है जब ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट परफॉर्म करता है तो ये प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मैथड को यूज़ करता है सो बेसिकली दिस क्लस्टल डब्ल्यू मैथड इज़ बेस्ड अपॉन द अप्रोच ऑफ प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट फॉर मल्टीपल सिक्वेंस अलाइनमेंट एंड क्लस्टाल डब्लीव के जो ज़्यादातर एप्लीकेशन है दे आर फ्रीली अवेलेबल बाई ई एम बी एल और ई बी आई या दूसरे जो साइट्स uh, है उनके थ्रू भी क्लस्टाल uh, डब्ल्यू जो है वो फ्रीली अवेलेबल है कलस्ट्राल uh, डब्ल्यू जो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट करता है तो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मैथड में सबसे पहले uh, किसी भी दो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड सिक्वेंस को अलाइन किया जाता है और फिर उस अलाइनमेंट के साथ नेक्स्ट क्लोजली क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस को उ, उस पेयर वाइज अलाइनमेंट के साथ अलाइन uh, किया जाता है और फिर वन बाय वन इस अलाइनमेंट के साथ नेक्स्ट क्लोजली रिलेटेड एंड नेक्स्ट क्लोजली रिलेटेड सिक्वेंस को वन बाय वन इस अलाइनमेंट के साथ मर्ज किया जाता है और एट द एंड जब हमारे पास सारे सीक्वेंस अलाइन हो जाते हैं सो वी गेट द ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस एलिमेंट जब हम एंड सीक्वेंस तक पहुंच जाए सो so, ये भी बेसिकली यही फ़िलासफ़ी को अडोप्ट करता है यूज़ करता है जब ये मल्टीपल सीक्वेंस एमेंट परफॉर्म करता है और आ, इसी तरह वन बाय वन प्रोग्रेसिवली पेयर वाइज अलाइमेंट जो सबसे पहले स्टेप में दो सीक्वेंसेस को इसने सेलेक्ट किया हुआ होता है उसके साथ वन बाय वन एक, एक, एक सीक्वेंस को नेक्स्ट अलाइन करता है नेक्स्ट अलाइन करता है और आ, रिजल्ट हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है अब आ, थोड़ा सा हम इसके फ़िलासफी को फर्दर अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि जो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट की स्ट्रेटजी है दिस अ स्ट्रेटजी बेस्ड अपॉन द फिलासफी ऑफ अरस्टिक अप्रोच और हीस्टिक अप्रोच जो है आ, वो हमने आ, ये भी उसके बारे में डिस्कस किया कि कोई भी ह्योरिस्टिक अप्रोच जो है जो उसकी ग्रीडनेस की वजह से वो कभी भी हमें ये गारंटी नहीं करता कि जो भी रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है दिस इज़ द बेस्ट वन बट स्टिल स्टिल्टिक्स को यूज़ करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है दिस इज़ एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम और अगर हम इसको अपटिमम की तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये टाइम कम्पलेक्सिटी और स्पेस कम्पलेक्सिटी में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा कि जो सल्यूशन हमारे पास होगा दैट विल नॉट बी अचीवेबल इन द रियल टाइम क्योंकि वो टाइम इतना ज़्यादा यूटिलाइज uh, कर देगा कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा uh, उतना हम फिर वेट नहीं कर सकेंगे दिस uh, एलगुरदम uh, जो बाकी प्रोग्रेसिव अप्रोच एलगुरिदम्स की तरह सबसे पहले ये रफ़ uh, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करता है और वो डिस्टेंस मैट्रिक्स uh, जो है दैट विल बी क्रिएटेड फ्रॉम द पेयर वाइज सिक्वेंस परफॉर्म्ड उन पेयर वाइज अलाइनमेंट से ये एक रफ डिस्टेंस मैट्रिक्स जनरेट करेगा और इसके स्कोर्स जो है वो वाइज अलाइनमेंट के जो डिस्टेंस स्कोर्स है वहाँ से वो उस डिस्टेंस के जो स्कोर्स होंगे वो उन वाइज अलाइनमेंट से गेट करेगा नेक्स्ट स्टेप में जब इसके पास डिस्टेंस मैट्रिक्स आ, आ जाएगा डिस्टेंस स्कोर्स आ जाएंगे तो ये आ, नेबर जॉइनिंग मेथड यूज़ करेगा और नेबर जॉइनिंग मेथड ये क्यों यूज़ करेगा नेबर जॉइनिंग मेथड विल बी यूज्ड टू क्रिएट द गाइड ट्री ट द ग्लोबल मल्टीपल सिक्वेंस अलैम एंड गाइड ट्री को क्रिएट करने के लिए नेबर जॉइनिंग मैथड यूज़ करेगा और जो इसने गाइड ट्री बेसिकली क्रिएट किया गाइड ट्री को इसलिए क्रिएट किया जाएगा और वो गाइड ट्री जो है उसको फर्दर फिर यूज़ किया जाएगा टू हैव दैट विल सर्व एस रफ टेम्पलेट फॉर फॉर द क्लेड्स दैट शेयर्स सिमिलर इंसर्शन एंड डिलीशन फीचर्स और जनरली इट प्रोवाइड्स क्लोज टू ऑप्टिमल सोल्यूशन क्लोज टू द ऑप्टिमल मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इट विल नेवर गारंटी यू टू तो हैव हाँ द बेस्ट सोलूशन uh, इससे बेहतर और सोल्यूशन बेटर ज़्यादा हो सकता है लेकिन चूंकि uh, ह्यवरिस्टिक अप्रोच है और जो भी उसको पहला बेहतर मिला उसने उसको सेलेक्ट किया और उसको हमें आउटपुट दिया कि दिस इज़ योर आप्टीमल सोल्यूशन टू तो द बेस्ट ऑफ द रूल्स अप्लाइड ह्योरिस्टिक्स जो है उसके बेस्ट पे क्योंकि जो आ, आ, एन पी हार्ड नेचर ऑफ द मल्टीपल सिक्वेंस अलाइनमेंट की जो नेचर है आ, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो लेंथ और नंबर ऑफ़ सीक्वेंसेस के साथ और बढ़ती जाती है तो अगर ये आ, बेस्ट की तरफ जाएगा तो फिर टाइम कम्प्लेक्टी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उससे आ, उतना टाइम कोई रिसर्चर वेट नहीं कर सके हो सकता है कि वो कई दिन लगाए या हफ्ते लगाए उस बेस्ट तक पहुंचने के लिए सो दैट्स वाई कम टाइम में हीरिस्टिकली जो भी उसको uh, पहला बेस्ट सोलूशन मिलता है उसको ये uh, आउटपुट दे देता है और वो हमारा क्लोज टू ऑप्टिमल रिजल्ट होता है और जो गाइड ट्री uh, चूँकि नॉइस uh, को लेस सेंसिटिव होता है इसलिए इसने नैबर जाइनिंग मैथड यूज़ करके गाई ट्री इनिशली प्रोड्यूस किया ताकि अगर कोई नाइज होता है या जहाँ पे डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस को डील कर रहा है तो वहाँ पे लेस सेंसिटिविटी टू नाइज हो और वहाँ पे सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े दिस डायग्राम इज बेसिकली शोइंग द होल फ्लो ऑफ इन फ्लो चार्ट पेयर वाईज एलिमेंट सो इट विल कैलकुलेट द डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड देन आन रूट इट ट्री फॉर द जेनरेशन ऑफ द गाई ट्री एंड देन रूटेड नेबर जॉनिंग ट्री गाइड ट्री एंड सीक्वेंस वेट्स कैलकुलेट करेगा और प्रोग्रेसिव अलाइमेंट करेगा अलाइमेंट फॉलोइंग द गाइड ट्री सो सबसे पहले स्टेप में ये डिस्टेंस मैट्रिक्स हमारे पास उस डिस्टेंस मैट्रिक्स से नेबर जॉइनिंग मैथड यूज़ करेगा टू जनरेट दिस गाइड ट्री एंड दिस गाइड ट्री से वो क्लेयस आइडेंटिफाई होंगे जो एक दूसरे के साथ मोर क्लोजली रिलेटेड होंगे विचवेल शेयर सिमिलर इन एंड डिलीशन फीचर्स और फिर उसके बेस पर हमारे पास क्लोज टू सोलूशन का ग्लोबल मल्टीपल सिक्वेंस एलाइमेंट रील होगा मैं क्लोज टू बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इससे बेहतर हो सकता है कोई दूसरे मैथड के थ्रू अगर हम कोई और मैथड अप्लाई करें तो इससे बेहतर अलाइमेंट हो सकता है बट उस सैनारियो में सिस्टम ने हमें जो आउटपुट दिया दिस इज़ क्लोज क्लोज टू मोर क्लोज टू द आप बट नॉट द बेस्ट वन